जय बुढ़े, जय साहू जी महाराज, जय अम्बेडकर, जय मंडल, जय कर्पूरी। मंच पर बैठे सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मंडला साहब का, जिन्होंने मुझे यह आमंत्रित किया है। और वाकई में बैकवर्ड क्लासेस थे वो सिंह गर्जना, यहां मनभनी के शेर पुट्टा मधु जी भी है, चिरंजीवी राव साहब है, जनैया जी है इस कार्यक्रम का आयोजक अर्जुन जी, और कुंडा देवर पटेल साहब और भी हमारे गणमान्य सभी लोगों को मैं जय संविधान कहकर अपनी दो सिर्फ बातें कहना चाहता हूं। तेलंगाना में जाति सर्वे शुरू हो रहा है 5 तारीख से। मैं मुख्यमंत्री जी से याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने वायदा किया था कि तेलंगाना के लोकल बॉडीज में कम से कम 42% रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड क्लासेस का होगा, वो उन्हें याद रखना होगा। मैं केंद्र में सरकार को आज इस मिलन कुटा के धरती से बताना चाहूंगा कि अगर जनगणना होगी तो जाति को भी गिनना हो, नहीं तो जनगणना नहीं होगी। और इसके साथ साथ मैं यहाँ तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू होगी तभी बैकवर्ड क्लासेस को अपने सभी अधिकार मिल पाएंगे, और इसके लिए जो संघर्ष इस धरती से शुरू हो रहा है उसके साथ मैं हूँ, और पूरे भारत में इसकी गूंज उठेगी। और सबसे आखिरी में मैं मनन स्लोगन को दोहराना चाहूंगा, अब की बार बीसी सरकार न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि भारत में भी फर्जी ओबीसी नहीं असली ओबीसी सरकार आएगी। जय संविधान। अब की बार बीसी सरकार अन्ना ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, భారతదేశంలో కేవలం 2 రాష్ట్రాలు మాత్రమే బీసీ ఉన్నారు, ఎక్కడ తమిళనాడు, బీహార్, బీహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి